टीकमगढ़ में किसान ने मैनेजर पर अकाउंट से पैसे निकालने के आरोप लगाए हैं। किसान ने कहा है कि जिला सहकारी बैंक में पंजीयन पर अनाज और उड़द के सोसाइटी से पैसे अकाउंट में 19,000 आए थे। किसान का आरोप है कि कल्लू चौबे और बैंक मैनेजर ने पैसे निकाले हैं। मैनेजर पर 420 का मामला दर्ज करने की बात कही है। कहा है अगर प्रशासन ने उसकी फरियाद को नहीं सुना तो वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। किसान के द्वारा ये आरोप लगाया है। साथ ही किसान ने प्रशासन से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है। दरअसल किसान के अकाउंट से ये पैसे निकाले गए थे। समस्या ये है कि साहब मैंने पंजीयन पीसी डाली और उड़दा भी डाले, सोसाइटी पे डाली और साहब मेरे पासबुक में से पैसा निकल गए और मैं दिल्ली था और मैं यहाँ हताली हूँ, वहाँ से आया और सो मैंने एंट्री करवाई। से मैनेजर साहब का बोल रहे हैं कि मैं जिला सरकारी और आपको पता नहीं आपके पैसे निकल पैसा मैं कभी बैंक में आया ही नहीं हूँ साहब, एक साल होने जा रहे। जितना खाता खुलवाया था उतना मैंने आया था और फिर आया नहीं हूँ, मेरे पैसा साहब निकल गए। मैं इस वजह से आप हत्या करने चाहता हूँ। और कल्लू चौबे ने वो बैंक मैनेजर ने मिलकर पैसा काट लिया साहब, जाने तभी हो रही साहब। अब इस वजह से मैं आप हत्या करने जा रहा हूँ।